तीर्थ पुष्करिणी श्वेतगंगा। ता पाखरे रहिछि एही छोटिया मंदिरटी, जहाँ मध्यरे एक आयत्तकार शिला उपरे तीनी जोड़ा पादचिह्न अछंती। आउ एही पादचिह्नर सभा उपरे रहिछंती भगवान शंभुंकर दिव्य शिवलिंग। जानिछंती ए हेउछंती सेही दिव्य मुक्ति शिला, जहाँ जीवनर अंतिम क्षण रे मनिषकु मुक्ति देइथाए। जरा व्याधिरे जर्जरित देह पिंडरु प्राण जाउ नथिबो, सेही समय रे पाख लोके मुक्ति पाई प्रार्थना करंती। एही दियंकु श्रीक्षेत्रर एही दिव्य स्थान को कुहंती मुक्तिशिला मंदिर। एही मुर्मुसु पाए मुक्तिर गति, श्रीक्षेत्र रहिछि एही अद्भुत प्राप्ति। वर्ष वर्ष धरि शय्याशायी मानंकु मुक्तिर पथ देखाउछि श्रीक्षेत्रर मुक्तिशिला। स्कंद पुराण ने वर्णना करा जाइछि ए मुक्ति शिला विषय रे। शिला चारि प्रकार मध्य महाप्रभुंकर विद्यमान अछि ई मंदिर रे बा ई क्षेत्र रे। ता भितरे गोटे जमशिला, गोटे पितृशिला, गोटे मुक्तिशिला, गोटे कैवल्य शिला। एही भाव रे आपण जानिछंती जे कि श्वेत गंगा पाखरे श्वेत माधव जेउठारे अछंती, से श्वेत माधव को नै आउ श्वेत जेकि श्वेत विष्णुंकर नेकि हि श्वेत माधव अछि। से श्वेत माधवंक पाखरे गोटिए अछंति के ना मुक्ति माधव। से मुक्ति माधवंकर पाखरे तीनोटी पाद चिन्ह अछि। से पाद चिन्ह कहा जाय छै के मध्य कहिथंती राम आउ लक्ष्मण सीतांकर मध्य, केही केही कहंती तीनि ऋषिंकर मध्य। से ऋषि हंतु जे भी हंतु किंतु तार मुक्ति शिला बोली प्रमाण मध्य स्कंद पुराण रे मिलि थाए। पावन क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम ही मुक्ति पाई सर्वोत्कृष्ट स्थान। एही पावन क्षेत्र रे सबकु जेपरि भाबरे संस्कार करिले भी तार मुक्ति सुनिश्चित। सेहिपरि शय्याशायी होई पड़ी रहिथिबा मुर्मुसु पाई श्रीक्षेत्र रे रहिछंती एही रहस्यमय शिलाखंड। आपणंक सम्मुखरे थिबा पादपद्म भगवान ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंकर बोली चिंता करा जाए। से स्कंद पुराण व्यक्ति अनुसार जे मुर्मुष अर्थात शरीर संपूर्ण भाव रोका रोगाग्रस्त होतु से उठी पार नथिबे कि बसी पार नथिबे कि केवल से बेड रे पड़िथिबे वर्ष वर्ष धरी तांकर मुक्ति हेउ नथिबे कि मरी पार नथिबे कि तांकर भल हेउ नथिबे। एही अवस्था रे जे महाप्रभुंकर मुक्ति शिलार जल टिके नै तांकर संपूर्ण भाव रे पाटी रे टिके देई देले से दुई तीन बार पान कला परे मध्य तांकर संपूर्ण भाव रे मुक्ति प्राप्ति हो जांती। तार मध्य प्रमाण बहुत सेवक माने तांकर जजमानंकु मध्य एही उपाय देकी मध्य से देखि चंती जे मुक्ति प्रदान हो जाईछि। सेति पाई मुक्ति क्षेत्र बोली कुआ जाईताय। श्री मंदिर रो दक्षिण दिगरे बालीसाही रे रहिछि श्वेत गंगा पुष्करिणी। एही तीर्थ परिसर रो दक्षिण दिगरे एही मंदिर अवस्थित। मंदिर मध्यरे एक आयत्तकार शिला उपरे तीन जोड़ा पादपद्म अछंति, जहांकु मुक्ति शिला कुहंति। एही श्वेतगंगा पुष्करिणी सामनारे रहिछि भृगु आश्रम। आश्रम रे महाराज उग्रसेन पूजा पांति। मृत्यु जनित जंत्रणा बा सहजरे प्राणवायु जाउ नथिबा व्यक्तिंक पई एही मुक्ति शिलांक पाखरे शांति होम करा जाय। होम परे उग्रसेन महाराजांकु पणा समर्पण करी ताहाकु तांकर खंडारे छुआई दिया जाय। सेही पणा को पियाई देले धीरे धीरे जंत्रणा कमी जाए और आत्मा शरीर सह संपर्क तुटाई दिए। स्वाभाविक मृत्यु लभे कलिहत मनुष्य, एमिति विश्वास श्रीक्षेत्र रे आज मध्य बलवत्तर रहिछि। जेतेबेले मध्य श्रीक्षेत्र को आसुचंती निश्चित भाव रे ये मुक्ति शिला को दर्शन करंतु। मुक्ति शिला को दर्शन करिदेले ये साजुज्य मुक्ति मिलिथाए, काहेकि ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी तथा शयनम। ये जन्म होथुबा मरुथुबा एभली चक्र चलिथिबा किंतु मुक्ति पाइबा पई समस्ते जेतेबेले युवक अवस्था रे सिना मुक्ति ईशा करंतिनी सेतेबेले किंतु महाप्रभु मध्य जेतेबेले आपणकर वयस हेइजिबा सेतेबेले मुक्ति कामना हुए। सेतेबेले निश्चित भाव रे ये मुक्ति शिला कथा मने पड़ी। श्री चैतन्य नानक आदिगुरु शंकराचार्य जेउ क्षेत्रर महिमा को अंगे अंगे उपलब्धि करिछंती सेही क्षेत्र हेउछि श्रीक्षेत्र, जहाँ सर्वदा रहस्यमय। महालक्ष्मीक आदेश रे एही क्षेत्र रे जमंकर प्रवेश निषेध रहिछि। पुरीरु वीडियो जर्नलिस्ट गणेशंक सह प्रियदर्शन महांती ओ आलोक आशुतोषंक रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।